बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल टैक्स मैक में। क्या हाल चाल है सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जमान में रखे। दोस्तों आज की वीडियो ये स्टूडेंट्स के हवाले से है। स्टूडेंट्स की जो भी न्यू रिजल्ट्स की अपडेट है इसमें आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा प्रमोशन की वजह से जो मार्कशीट में चेंजिंग होंगी, जो भी तब्दीलियाँ हुई हैं इस वीडियो में सारी आज बताई जाएंगी। और किस डेट तक दोस्तों आप लोगों की मार्कशीट्स रिजल्ट कार्ड जो अनाउंस होने थे वो किस डेट से होंगे इस वीडियो में दोस्तों आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक बर वक्त पहुँचे। और हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो लाजमी करें। अगर कोई भी सवाल हो एजुकेशन के हवाले से, कोई भी किसी किस्म का भी, अगर आपने कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट की अनाउंसमेंट की, जो न्यू अपडेट्स के लिए हवाले से उन्होंने जो न्यू अपडेट्स अभी चल रही है, रिजल्ट किस डेट को अनाउंस होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फेडरल बोर्ड के हवाले से। सब फेडरल बोर्ड का जो रिजल्ट है दोस्तों अभी उसकी एक्सपेक्टेशन जो चल रही है वो 15 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों फेडरल बोर्ड का रिजल्ट दोस्तों आपका 15 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि प्रमोशन के हवाले से सर हमें बताएं कि हमारी मार्कशीट्स कब तक मिलेंगी और इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बताता चलूँ, इस बार प्रमोशन हुई है उसी वजह से आप लोगों की मार्कशीट्स पर प्रमोशन का लफ्ज इस्तेमाल होगा और उसके बाद आपके सेपरेट नंबर किसी किस्म के नहीं लिखे जाएंगे। अभी तक जो मेरे सुनने में बात ये आ रही है जो भी उसमें अभी तक यही है, लेकिन ये अभी कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें यही बात सुनने में आ रही है कि रिजल्ट के जो प्रॉपर जो होते हैं नंबर हर सब्जेक्ट के अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे। जो लोग 9th और 11th में और 12th के, हाँ 12th के हो सकता है, वो फर्स्ट ईयर के जिनके मार्क्स आए हों 12th में उतने लगाएंगे, लेकिन 9th और 11th के ये 90% चांसेस यही हैं कि इनके हर सब्जेक्ट का अलग मार्क्स नहीं होंगे, बस प्रमोट का लफ्ज इस्तेमाल होगा और आपको मार्कशीट दे दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि नई नई कोई भी वीडियो की अपडेट हो यहां से आपको बर वक्त मिलती रहे।